Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about some of the tips I will be giving you for your tomorrow's paper of costing. So आज हम costing के paper के बारे में बात करने वाले हैं. Financial के paper का मैंने आपको कल जो tips दिया था वो आपने use किया होगा exam में, और सभी लोगों का आपका paper अच्छा गया होगा. तो मुझे comment section में comment करके बताएं आपका paper कैसे गया है financial accounting का. और हम यहाँ पे कोई भी आंसर्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं जिसकी वजह से अब हमारा मॉरल डाउन हो जाता है कि हमने हमारा पेपर अच्छा नहीं गया या किसी का पेपर अच्छा गया है. तो आज हम कॉस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा हर चैप्टर के बेसिस पे. तो वीडियो को लास्ट तक देखें और रेट रिव्यू कमेंट ज़रूर करें. तो लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर्स. So we have total 5 chapters over here also, and the chapter number 1 is process costing, second is contract costing, third is standard costing, fourth is marginal costing, and the fifth chapter, which is a complicated chapter for most of the students who are facing problems, and they are facing problems in chapter number 5th called as cost control accounts, non-integrated accounts as concerned. तो ये आपके syllabus में total 5 chapters है. अगर हम costing को semester 5 से compare करें तो इस semester 6 का costing काफ़ी easy है और आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेपर में आएंगे. सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो पेपर में आने वाले हैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे ऑन एवरी टॉपिक विच इज़ बीन रिलेटेड टू कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग का सिलेबस इस बार बहुत ईजी है. अगर आप फर्स्ट चैप्टर को देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सारे चैप्टर्स काफ़ी इजी है. अगर हम मार्क्स की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपको 100% 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा पेपर में. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी 15 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा. स्टैंडर्ड मार्जिनल 87 में आ सकता है, और कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट 15 मार्क्स के लिए आ सकता है. तो अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं कि चैप्टर में बेसिक चीज़ें क्या है. चैप्टर नंबर 1 है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, काफ़ी ईजी है. आपको 3 प्रोसेस पूछे जाएंगे और एवरी प्रोसेस विल कैरी 5 मार्क्स ईच. तो 5 3 15 ऐसे आपके मार्क्स होंगे. अगर हम लेवल की बात करें प्रोसेस कॉस्टिंग में, एक्चुअली देखा जाए तो 3 लेवल्स है, बट 3 में से आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स में 2 लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. एक है अगर आपके क्वेश्चन में सेल वाला पॉइंट आया, तो अगर सेल दिया है तो सेल वाले एंट्री हमको करनी है क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, और फिर बैलेंसिंग फिगर हमारा कॉस्टिंग P&L आता है जो प्रॉफिट या लॉस होगा. तो एक सेल वाला लेवल यूनिवर्सिटी यूजुअली फोकस करता है, और दूसरा लेवल है हमारा स्टॉक वाला लेवल जिसमें हम ए स्टॉक, बी बी स्टॉक, सी सी स्टॉक, ऐसे बेस पे लेजर्स प्रिपेयर करते हैं. एक नॉर्मल लेवल भी है जिसमें सेल वाला लेवल सेल वाले पॉइंट्स नहीं आते हैं. तो अगर आपने सेल वाला लेवल कर लिया तो नॉर्मल लेवल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी. तो प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, और प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग ही आएगा, बिकॉज लास्ट 3 से 4 सालों में यही ट्रेंड फॉलो हुआ है कि सेम चैप्टर के ऑप्शन में सेम चैप्टर आ रहा है. तो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑप्शन में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का दूसरा सम मिलेगा, और आपको 2 क्वेश्चंस में से जो भी क्वेश्चन आपको कंफर्टेबल रहेगा वो आप सॉल्व करें, सो दैट आपको फुल 15 में से 15 मार्क्स मिल सके. एंड प्रोसेस कॉस्टिंग ये एक इजी चैप्टर है, इसीलिए आप ये क्वेश्चन को आप पहले ही सॉल्व कर सकते हैं. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रोसेस कॉस्टिंग. चैप्टर नंबर 2 इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है. यहाँ पे भी आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिल सकते हैं. सो यूजुअली यूनिवर्सिटी फोकसेस ऑन आस्किंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाएगा. एक में उन लोग 8 मार्क्स, दूसरे में 7 मार्क्स, या थोड़े कम मार्क्स देके 2-3 मार्क्स आपके वर्किंग और डेप्रिसिएशन के लिए भी देते हैं. तो अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अगर देखा जाए तो 2 लेवल्स है. लेवल नंबर 1 सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स, मतलब एक ही साल का एक ही कॉन्ट्रैक्ट दिया रहेगा, नाम एक ही रहेगा, और ईयर 2-3 दिए रहेंगे, 3 दिए रहेंगे, 2 दिए रहेंगे, तो वो एक वैरायटी है. और दूसरा है सिंगल ईयर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये 2 लेवल आ सकते हैं. तीसरा लेवल भी है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट, बट थोड़ा सा कम चांसेस है आने का. तो पहला लेवल जो है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स, वो थोड़ा रिस्की है, बिकॉज अगर आपने फर्स्ट ईयर में कुछ गलत कर लिया तो वही कंटिन्यूएशन सेकेंड ईयर में भी आपका हो जाएगा. तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को अटेम्प्ट करें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी, कॉन्ट्रैक्ट डी, ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू स्कोर 15 मार्क्स.
बिकॉज अगर आपका फर्स्ट में कुछ रॉन्ग हो गया तो उसका मिस्टेक सेकेंड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है. दैट इज दी चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग. तो मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और ये आएगा 8 या 7 मार्क्स के बेसिस पे. आज तक 8-7 मार्क्स के बेसिस पे ही ये चैप्टर पूछा गया है. मैंने डिटेल्स वीडियो अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज के ऊपर डाला है कि फॉर्मूलाज को आप किस तरीके से याद रखें. तो मैं जितने भी कॉस्टिंग के ऊपर मैंने आज तक वीडियो डाले हैं सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. सो दैट आपको ढूंढना पड़े कि कौन सा वीडियो कहाँ पे है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेर कमेंटिंग कि सर इसका वीडियो हमें लिंक नहीं मिल पा रहा है, प्लीज सेंड द लिंक. सो मैं सारे के सारे वीडियोस जो मैंने कॉस्टिंग के ऊपर बना के डाले हैं वो हमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. तो मार्जिनल कॉस्टिंग काफ़ी इजी चैप्टर है लेकिन इसमें फॉर्मूला बेस है. आप फॉर्मूला सारे प्रॉपर कर ले और उस बेस पे आप पीवीआर बेस है इस चैप्टर का. पीवीआर अगर रॉन्ग हो जाएगा तो आपका सब आगे का कंसेप्ट रॉन्ग हो सकता है. तो उस बेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 4. एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल्सो इज अ चैप्टर विच इज रिलेटेड विद फॉर्मूलाज. तो मार्जिनल और स्टैंडर्ड आपको दोनों करने हैं. दोनों के दोनों फॉर्मूलाज बेस है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज भी काफ़ी इजी है. कैसे याद रखना है फॉर्मूला उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था. 3 वेरिएंसेस आपको पूछे जाएंगे, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल कॉस्ट एंड सिमिलर लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर कॉस्ट. तो आपको तीन तीन वेरिएंसेस टोटल देखा जाए तो 6 वेरिएंसेस हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में होंगे. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिक चीज़ें स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, बाकी की सारी चीज़ें दी रहती है और उस बेस पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूलाज में तो हमें आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा. अगर पॉजिटिव आया तो हम फेवरेबल वर्ड लिखते हैं और अगर हम नेगेटिव आया तो हम उसको एडवर्स या अनफेवरेबल भी लिख सकते हैं और लास्ट में हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं. जैसे MCV इक्वल टू MPV प्लस MUV, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरियंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरियंस. एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो वेरीफाई लेबर वेरियंसेस, लेबर कॉस्ट वेरियंसेस, दैट इज लेबर LCV. LCV इक्वल टू LRV प्लस LEV. LRV इज लेबर रेट वेरियंस एंड LEV इज लेबर एफिशिएंसी वेरियंस. सो अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ईजी चैप्टर है लेकिन आप जो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन बहुत से लोग टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं, बहुत से लोग डायरेक्ट भी करते हैं, तो उसको अगर आप करेक्ट कैलकुलेट करोगे तो सब्स्टिट्यूशन आपका राइट हो जाएगा. एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 4. नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड दैट इज कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स. तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि ये चैप्टर पूरा का पूरा स्किप करके जाए. बिकॉज 60 मार्क्स का पेपर हमको आने वाला है और 45 मार्क्स जब भी आता था पेपर, मतलब 45 मार्क्स ओवरऑल, 75 मार्क्स का जब पेपर आता था 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता था, उसमें कॉस्ट कंट्रोल के ऑप्शन में स्टैंडर्ड मार्जिनल आता था. अभी आपको सारे चैप्टर पढ़ के जाना है क्योंकि लिए कुछ भी हो सकता है. तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ इंपॉर्टेंट है आप 2 से 3 साल यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे वही पढ़ के जाए, उसी में से कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज आपके पेपर में आ जाएगी. सो दैट आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आता है ऐसा नहीं होगा, आप ओवरऑल पोस्टिंग को प्रॉपरली कर पाएंगे. बिकॉज इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है वो है स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज भी कर लेते हैं, स्टूडेंट्स लेजर भी बना लेते हैं. एग्जाम में लेजर ही पूछा जाता है. तो स्टूडेंट्स लेजर भी बना लेते हैं लेकिन जब वो लेजर को क्लोज करने का टाइम आता है तब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं बिकॉज एक लेजर से दूसरे लेजर में बैलेंस ट्रांसफर होता है और अकॉर्डिंगली उसमें फिर कन्फ्यूजन होता है कि फ्रॉम विच लेजर वी हैव टू ट्रांसफर वेयर. तो कौन से लेजर में ट्रांसफर करना है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाता है एंड दैट इज़ वाई कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बन जाएगा. बट अब पूरे का पूरा चैप्टर स्किप मत करना क्योंकि लिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है और आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ा तो आपके पास एटलीस्ट लेजर पोस्टिंग के रिलेटेड जो भी आप पोस्टिंग करोगे उसके रिलेटेड आपको मार्क्स मिल पाएंगे. तो ये भी चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा. अब चैप्टर्स आपको कौन से अटेम्प्ट करने हैं पहले, आई प्रीफर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने फाइनेंस में भी आपको बताया था वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले सबसे सिंपल चैप्टर अटेम्प्ट करने का प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे वैसे एक आपके माइंड सेट में आ जाएगा कि यस मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग कर लिया है, मतलब मेरे 15 मार्क्स तो पक्के हो गए. जैसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना ही है फाइनेंस जैसा, वो टाइम मैनेजमेंट भी फाइनेंस जैसा ही है, मैं वो लास्ट में बताता हूँ. तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपको पहले सॉल्व करना है 15 मार्क्स के लिए. जैसे ही आप प्रोसेस कॉस्टिंग को सॉल्व करोगे उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सॉल्व करना है बिकॉज ये दोनों चैप्टर्स पोस्टिंग बेस्ड चैप्टर्स है. तो दैट इज़ वाई
पोस्टिंग बेस्ड चैप्टर्स को अगर हम पहले सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, सिंस उससे रिलेटेड हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल पाएंगे. देन कम्स द चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड मार्जिनल. स्टैंडर्ड मार्जिनल कैसे चैप्टर्स है कि अगर आपने कुछ बेसिक कैलकुलेशंस प्रॉपर कर लिया तो आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे. अगर आपने कैलकुलेटिव एरर करके पीवीआर रॉन्ग कर लिया तो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो दैट इज़ वाई ये चैप्टर्स थोड़े से ट्रिकी है. और कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट सबसे लास्ट में रखने का, उसके बेसिस पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ हियर इज द टाइम मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया था. इन केस ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज यूजुअल 10:30 को पेपर आ जाएगा. पहले पेपर देखना है प्रॉपरली प्रिंट हुआ कि नहीं. एंड लेट्स स्टार्ट. 10:30 to 10:45 तक आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स निपट जाने चाहिए. फिर 10:50 से लेके 11:20 तक आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, तीन प्रोसेस के लिए मैक्सिमम टाइम है, इससे पहले ही आपका होना चाहिए. तो 10:50 से लेके 11:20 तक आपका प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाना चाहिए. कहीं पे भी आ जाए, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, आपको 3 में भी पूछ सकता है, 4 में भी पूछ सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, फिर 11:25 से 11:55 आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करना है. और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होने के तुरंत बाद फिर आपको बाकी के क्वेश्चंस देखने हैं. अगर आपने पहले ही दूसरा 15 मार्क्स का कर लिया तो आप बाकी के क्वेश्चंस बाद में कर सकते हैं, लेकिन मेरे बेसिस पे पहले प्रोसेस कर लो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे. फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस ही रहते हैं जो आप आधे घंटे पे यूजुअली 2 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे हम लोग 15 मिनट्स में. फिर 10:50 से लेके 11:20 मैंने 30 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको दिया है. आप 30 मिनट्स में प्रोसेस कॉस्टिंग करोगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग में सीपीयू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि ले सीपीयू अगर गलत हो जाएगा तो आपका एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन रॉन्ग हो सकता है. तो एबनॉर्मल लॉस आया तो क्रेडिट साइड लिखना है, एबनॉर्मल गेन आया तो डेबिट साइड लिखना है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कौन सा है, वो है डेप्रिसिएशन का, बाकी सब तो आप डायरेक्ट हो. फिर 12 o'clock से 12:25 को आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड और मार्जिनल की बात करें तो स्टैंडर्ड और मार्जिनल का क्वेश्चन आपका 12 o'clock से लेके 12:25 तक दोनों क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे. वहाँ पे कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होता है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है और फॉर्मूलाज में सब्सटीट्यूट करके पीवीआर हो बाकी की सब चीज़ें ढूंढनी है. फिर क्वेश्चन नंबर 5 में 15 और 8:07, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में 15 और 8:07 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8:07 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8:07 आ सकता है, डिपेंड करता है. बट कोई भी यूजुअली यूनिवर्सिटी फोकस करता है एक क्वेश्चन को डिवाइड करे 8 और 7 के बेसिस पे. तो किसी भी एक चैप्टर के ऊपर डबल क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हो सकते हैं ताकि स्टूडेंट का कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शन में निकल जाए. सो अगेन 12:30 से लेके 12:55 तक आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, इसके पहले हुए तो वेल एंड गुड, वरना टारगेट ही रखना है अपने को कि 12:55 तक अपना सारा कुछ प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए. एंड अगेन 1 o'clock से लेके 1:25 तक आपको पूरा थियोरी लिखना है. और जैसे आपने फाइनेंस में देखा होगा, फाइनेंस में भी मैंने यही आपको पॉइंट्स बताए थे. एंड अगेन आई से 1:15 तक आपका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए. 1:15 तक आपका सारा थियोरी, सारे ऑब्जेक्टिव्स, सारे डिटेल्स, सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो खत्म हो जाने चाहिए. मैंने यहाँ पे 1:25 मैक्सिमम टाइम दिया है, जिनका भी स्पीड कम होगा वो लोगों के लिए 1:25 तक आप थियोरी लिख पाओगे. बिकॉज थियोरी ऐसी चीज़ है जो अगर पढ़ा रहेगा तो आपको इतना टाइम लगेगा, वरना आपको टाइम लगने वाला है नहीं उसके लिए. सो दैट वॉज दी बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग दी थियोरी क्वेश्चंस एज कंसर्न. तो इतना आपको अटेम्प्ट करना है एंड वी आर रेडी फॉर टुमारो नाउ. जैसे मैंने फाइनेंस के लिए बताया था सिमिलरली, सो कॉस्टिंग में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, ये मत भूलना, बिकॉज कॉस्टिंग में ही आपके मार्क्स ऐड होके आपके परसेंटेज बढ़ पाएंगे. बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे नए चैप्टर्स थे, इस बार कॉस्टिंग में नया चैप्टर नहीं है, पुराना चैप्टर है. तो आपके पास एक बेसिक आइडिया है कि यूनिवर्सिटी में किस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, एक बार देखें एडजस्टमेंट्स की वैराइटीज़ को देखें. और अगर किसी भी एडजस्टमेंट्स में आपको नहीं पता चल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जैसे ही मैं देखूंगा वैसे मैं रिप्लाई करने के लिए ट्राई करूंगा. सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और अगर आपने टेलीग्राम पे मेरा चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में ढूंढे लास्ट मिनट रिविजन विद RSM, सो दैट वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा वीडियोज़ का लिंक अगर आपको चाहिए तो, बिकॉज कभी कभी नोटिफिकेशंस नहीं आ पाता है. सो ये बेसिक चीज़ें हैं, मैंने कॉस्टिंग से रिलेटेड ट्राई किया है. और सारे वीडियोस जो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन को चेक करें और हर वीडियोस को चेक कर सकते हो आप. सो बेसिकली यही था कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जो आपको कल के पेपर में ध्यान में रखनी है. और
दूसरा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे सीपीयू हमें मिलता है तो सीपीयू पॉइंट में मिलता है, समझो पॉइंट में आया 24.5 आया, तो 24.5 आया तो उसको 25 मत ले लेना, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज कॉस्टिंग में सीपीयू जो भी आपको मिलने वाला है वो पॉइंट के बाद आपको दो डिजिट लिखना कंपलसरी बन जाता है, इसलिए सीपीयू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक आपने राउंड फिगर ले लिया आगे वो सब कंटिन्यूएशन में जाएगा। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो फ्रॉम माई साइड, विश यू ऑल द बेस्ट, ड्रीम बिग, एंड एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर, ऐसे रेगुलर बेस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो दैट मेरे तरफ से आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी आपको हेल्प हो जाए। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।